तो एमएस वर्ड की इस क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हम आपके साथ रेफरेंसेस में सबसे पहला टॉपिक आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट के वर्ड से क्या समझते हैं? जब भी कोई बुक होता है ना, उस बुक में आपके जो है मतलब अंदर जब बुक खोलते हैं तो उसका टेबल ऑफ कंटेंट होता है, उसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं, जिससे पता चलता है, कि इसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स किस किस पेजेस पे हैं। तो एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। अब टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह के हो सकते हैं, ये यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं। कंटेंट हुआ हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, इस तरह से, या हेडिंग सब हेडिंग। जैसे पहला कंटेंट आपने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे आप बनाते चले जाइए। जैसे कि मैंने टेबल कंटेंट, अब इसमें क्या है कि पहले से अगर लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक टेबल कंटेंट ले लेता है। अब कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कोई बुक डाउनलोड करके, जैसे कि यहाँ पे हम बैक करते हैं, इसमें बुक नहीं मिल रहा है मुझे। ऐसे पीडीएफ होता है, पीडीएफ को हम करते हैं। हाँ, जैसे ये देखिए, ये बुक है ना, इस बुक में ये आपका है, ये इसका हुआ, ये रहा कंटेंट। ये कंटेंट दिखा है आपको? तो इस तरह के कंटेंट जो होता है, मतलब कि टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें टॉपिक होते हैं, उसके पेज नंबर्स होते हैं, और बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप कंटेंट बनाते हो तो प्रॉब्लम यह है कि आपके पास बुक होना चाहिए। बुक है तो ऑटोमेटिक वो कंटेंट समझ के बना देता है। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं एमएस वर्ड पे पेस्ट कर देता हूँ। हुआ?
नहीं जवाब बोला तो जब हम यहां से टेबल ऑफ कंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिक रीड करता है, दिख रहा है कंटेंट टेबल एज स्टार्ट अप्लाइंग द हेडिंग स्टाइल, मतलब कि वो जो हेडिंग होता है वो हेडिंग को समझ के अपने आप बना देता है। और नहीं आप चाहते कि स्टार्टिंग से करें, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया वन, हमने दे दिया कि अबाउट ए ऑथर, और उसके बाद यहाँ पे इसके पेज नंबर आप यहाँ दे सकते हो कि एक पेज नंबर है, उसके थीम यहाँ पे और भी दोगे और ऐसे आप देते चले जा सकते हो। लेकिन क्या होगा कि अगर बुक होगा तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक है, बुक होगा तो ऑटोमेटिकली। अब चलिए एक चीज नया चीज सीखिए, अभी मैंने एक पीडीएफ बुक डाउनलोड किया है। अब प्रॉब्लम है कि पीडीएफ बुक को मुझे एमएस वर्ड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये बुक एमएस वर्ड में नहीं आ रहा ताकि हम उसको अपने हिसाब से प्रिंट वगैरह और चीज कर सके। तो उस केस में क्या करेंगे, तो यहां पे गूगल पे आप जाएं और लिखें पीडीएफ टू डॉक्स कन्वर्टर, पीडीएफ टू डॉक्स कन्वर्टर, कन्वर्ट पीडीएफ टू डॉक्स, डीओएक्सी जो होता है वो आपका एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है। फाइल एक्सटेंशन समझ में पता है क्या होता है फाइल एक्सटेंशन? फाइल एक्सटेंशन से समझ में आ रहा है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है जैसे कि कोई फाइल, जैसे मान लो आपका सरनेम होता है ना, जैसे तरुण शर्मा, शर्मा से आपका कोई कास्ट इंडिकेट करता है ना सर, तो उसी तरीके से इसके भी फाइल के लास्ट में डॉट एक्सएलएस एक्स, मतलब कि एक्सेल की फाइल, डीओसी एक्स मतलब एमएस वर्ड की फाइल, डॉट पीपीटी मतलब पावर पॉइंट की फाइल, डॉट नोटपैड, डॉट टीएक्सटी नोटपैड की फाइल, डॉट एचटीएमएल इंटरनेट की वेब पेज हुआ, डॉट पीडीएफ प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट बोला जाता है, प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो उसी तरीके से आपका एक्सटेंशन होता है जिससे कंप्यूटर रीड करता है कि ये फाइल जो है एक्सेल में ओपन होगी, ये फाइल एमएस वर्ड में ओपन होगी। क्योंकि जैसे आप मान लो कि आपने एक्सेल फाइल देखा, इस पर डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करते ही एक्सेल में ये ओपन होता है। ऐसा इसलिए ओपन होता है क्योंकि डॉट एक्सएलएस एक्स लगा होता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ ये पीडीएफ की फाइल है, सॉरी एक्सेल की फाइल है, तो एक्सटेंशन कहलाता है, समझे? समझ आ गया ना? अब देखिए हम इसको अपलोड कर दिए, डाउनलोड कर दिए, तो ये पीडीएफ फाइल जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? एमएस वर्ड में। अब देखना ये है कि पूरा फाइल कन्वर्ट हुआ है या एक दो पेज कन्वर्ट हुआ। ऑनलाइन कन्वर्टर क्या है, फ्री होते हैं, तो कुछ लोग तो 100% फ्री, कुछ वेबसाइट है जो कि 100% फ्री कर देता है, लेकिन कुछ वेबसाइट है कि बोलता है कि भाई पहले दो तीन पेज हम आपको करेंगे, बाकी आपको खुद करने हैं। तो एक बार वो देख लेते हैं कितना पेज किया है। एक ही पेज किया है इसने, एक ही फर्स्ट पेज किया है, नहीं किया है सारा पेज कर दिया इसने, ठीक है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ दिख रहा है आपको, अब इसमें एंटर मारोगे तो यहां पे नीचा नीचे की एर हो जाते हैं। इस तरह की टेबल ऑफ कंटेंट आप बना सकते हैं अगर आपके पास कोई बुक हो तो। लेकिन उसके लिए पहले आपको बुक राइट करना होता है, उसके हेडिंग एंड सब हेडिंग को वो पेज लेआउट में आएंगे, तो
तो यहाँ रीड करता है और उसके हिसाब, यहाँ रेफरेंसेस में रीड करता है और उसके हिसाब से वो करता है। समझे? टेबल ऑफ कंटेंट समझ में आ गया? तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? जिप फाइल डाउनलोड हुआ था ना? अच्छा, जैसे है सेलेक्ट किया पेज पे, यहाँ पे रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट, और टेबल ऑफ कंटेंट लेने से पहले आपको ऑल्ट, यहाँ पे न्यू पेज लेना पड़ेगा, ऑल्ट एंटर करके यहाँ पे ऊपर में न्यू पेज लेना पड़ेगा, तब जाके टेबल ऑफ कंटेंट ऐड होगा। ठीक है, तो पहले क्या करें, इसको क्लिक करें और इंसर्ट में आए, ब्लैंक पेज पे क्लिक करें ताकि एक ब्लैंक पेज मिल जाए। उसके बाद उस ब्लैंक पेज पे आए और चले जाए रेफरेंसेज में, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाए, क्लिक करें। ये देखिए आपके टेबल ऑफ कंटेंट इसने यहाँ पे बना दिए इसने। लेकिन मैनुअली ये तो खुद ब खुद बना के देता है, वो 100% सही नहीं होता है, तो मैनुअली बनाना उचित होता है, तो आप इसको मैनुअली बनाए ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है सर, उसी में टेक्स्ट को ऐड करना, टेबल को अपडेट करना, जैसे कुछ आपने ऐड किया है तो उसको अपडेट कर सकते हो, कोई नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, उसका चीज इस्तेमाल होता है। फिर बात करते हैं फुट नोट्स की। फुट नोट्स क्या होता है कि इसमें क्लिक किया और नीचे में हम एक नोट जोड़ देते हैं, जैसे होता है ना कि स्टार लगा दिया आपने यहाँ पे। मान लीजिए कि आपने प्राइस देखते होंगे, आपने देखते होंगे कि प्राइस जो है, और प्राइस के आगे स्टार लगा होता है ना, तो उस स्टार के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ आप फुट नोट ऐड कर सकते हो, जैसे कि हैश लगा है, स्टार लगा है, बहुत सारे किस्म होता है, तो फुट नोट ऐड कर सकते हो। उससे क्या होता है, क्लिक करोगे तो यहाँ फुट नोट ऐड कर सकते हो, भाई स्टार जो है वो टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई है या कुछ इस तरह से, टर्म एंड कंडीशन, इसको फुट नोट कहा जाता है। इस तरह से इसको फुट नोट होता है। तो फुट नोट में है कि नेक्स्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, तो लास्ट में शो फुट नोट, फुट नोट को शो करना चाहते हो तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो टेबल ऑफ कंटेन एंड फुट नोट्स पे आप प्रैक्टिस कीजिए तरुण शर्मा जी। ठीक है, फिर हम कल आगे आपको जो है रिसर्चेस के बारे में बताऊंगा, कल हम बाकी की चीजें जो जो भी हैं सब चीजों को हम करके हम मेलिंग में भरेंगे। ठीक है, ठीक है।